संत का तो क्रोध भी कल्याण करता है, संत का क्रोध भी। भरत जी ने केकई मां पर क्रोध किया, सब अयोध्या वासियों को गालियां दी कि तुमने मेरे राम को बन भेज दिया, तुमने मेरे राम को बन भेज दिया। लेकिन पता है भरत जी के क्रोध का परिणाम क्या मिला? समस्त अयोध्या वासियों को माताओं सहित चित्रकूट में राम दर्शन हो गया। इसलिए संत यदि क्रोध भी करे तो राम दर्शन करवाएगा। भरत जी के क्रोध का परिणाम की राम दर्शन। श्री माधव दास जी महाराज की, उनका एक नियम था, वो रोज भिक्षाटन करते थे, भिक्षा लेने के लिए जाते थे। श्री माधव दास जी महाराज, संत की कथा इसलिए बता रहा हूं, एक दिन एक द्वार पर गए। वो रोजाना भिक्षा लेते घर घर से, एक घर में रोज जाते, पर उस घर की जो बुढ़िया माँ है वो रोज उनको गालियां देती, रोज गालियां देती। एक आदमी बोला, महाराज रोज जाते हो, भिक्षा मांगते हो, पर बदले में गालियां मिलती है, आपको पता तो है गाली मिलेगी, फिर क्यों जाते हो? माधव दास जी बोले, अपना क्या लिया, मिलेगी लेगी तो कुछ नहीं है। गाली मिले तो भी मिले, पर माधव दास जी जाते हैं। अच्छा, वो बुढ़िया दुखी इसलिए थी कि बाकी सब तो ठीक, पर घर में पोता नहीं था, पोता नहीं था, सो उदास रहती हमेशा। संत आते तो उनको गालियां देती रहती। माधवदास जी एक दिन गए द्वार पर, श्री माधवदास जी ने जाकर के कहा, भिक्षाम देही। तो वो बुढ़िया मैया घर में पोचा लगा रही थी, अपने हाथ में वस्त्र को ऐसे पीला करके आंगन की चौके की सफाई कर रही थी। संत माधव दास भी उनके द्वार पर जाकर के बोले, भिक्षाम देही। बुढ़िया मैया को और कुछ दिखा नहीं, वो पोचा जो हाथ में था उसी को लेके मारा संत पर, पोचा फेंका। अब वो उनके यहां आया वस्त्र, तो संत ने कहा, ठीक है मैया, ये भी स्वीकार है, ले लिया। लेकिन माधव दास जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही। देखो, पोचा को हिंदी में पोता भी बोलते हैं, पोता। तो पोता फेंका तो उन्होंने क्या कहा? बोले, संत माधव दास भी जा उत्तर इसी का देगा, पर पोता अगर दिया तो तुमने पोता तुम्हें मिलेगा। उत्तर इसी का देगा, पर पोता यदि तुमने दिया तो जा पोता तुझे मिलेगा। पर भगवान की कृपा से महाराज उस बुढ़िया के घर पोता हुआ, संत की वाणी सिद्ध हुई। बड़ी प्रसन्न हुई, मन में सोचने लगी कि मैंने तो, अरे इतना वो गीला किया हुआ मेला कुचेला फेंका, पर संत ने बदले में पोता दे दिया। यदि मैं प्रेम से प्रसाद देती तो न जाने क्या प्राप्त होता मुझे। अरे पोता दियो न प्रेम से, रिस बस दीन हो मार। पोता दियो न प्रेम से, रिस बस दीन, वो भी प्रेम से नहीं दिया था, रिस बस दीन हो मार। ऐसे संतन के पुण्य से सखी पोता खेलत द्वार, ऐसे संतन के पुण्य से सखी पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती पुण्य प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि मैं इनको प्रेम से प्रसाद देती तो घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे बेटा होते मेरे। और संत देखो, वो पोता लेकर के चले गए। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जाकर के सफाई की, उसको धोया, और बाद में अलग अलग कटिंग करके बत्ती बना ली और ठाकुर जी के यहां दीपक आरती करने लगे। तो वो पोचा जो है ना, वो कपड़ा, वो गा रहा है, बोले, धन्य है सतपुरुषों का संग, 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 बदल देता है जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता है जीवन का ढंग, सतपुरुषों का संग। पोता रोता
बच्चा सोच रहा है मैं कहां पड़ा रहता जहां रक्त पीव थूक सब साफ करते थे। पोता रोता पड़ा था जहां रक्त और पीव, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जी, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जी। लेकिन अब आ गया जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। उस जीवन से तंग आ गया था, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता है जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का। अच्छा वो पोचा और क्या कहता है, निर्मल साफ किया था फिर दीनागृत मेरा, दीनागृत मेरा फिर घी में डाल दिया, फिर दीनागृत मेरा इसी तरह से मंदिर पहुंचा, इसी तरह से मंदिर पहुंचा और देखा ठाकुर द्वार, इसी तरह से मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर। अब तो मैं बन गया पूजा अर्धन, बन गया पूजा अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का, धन्य है सतपुरुषों का, बदल देता है जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। मैं मेरी जिंदगी में कभी मंदिर नहीं देखता, पर आज देखो संतों की कृपा से मुझे ठाकुर जी का द्वार मिल गया, पर आज तो पूजा का अर्धंग बन गया। करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान, आरती के ऊपर झूलता हूं, झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान, घंटी बजती है गरुड़ करे गुणगान, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन भी नाना, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन भी नाना। अंधों को जब मेरा प्रकाश होता है तो ठाकुर जी के दर्शन और हो जाते हैं। धन्य है अंधे और अपंग, बदल देता है जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ऐसे श्री माधव दास जी महाराज, वो पोचा कहता कि मैं ठाकुर जी के द्वार पर पहुंचा और देखो झूलता हूं, भगवान की आरती करता हूं और मेरे प्रकाश से दुनिया दीनानाथ का दर्शन करता हूं। ये है संत का प्रसाद। अच्छा उनका जीवन देखो कितना महान था, तब भगवान ने उनकी वाक्य जो है बात जो है वो सिद्ध कर ली। श्री माधव दास जी का जीवन इतना धन्य था कि वो जब से उस बुढ़िया ने ये बात कही थी तब से वो स्थान छोड़कर के जगन्नाथपुरी चले गए थे और जगन्नाथपुरी में रहते थे काफी वर्ष तक रुके हुए। नियम यह था कि वन प्रदेश में एकांत में बैठे बैठे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जप करते, कोई किसी से लेना देना नहीं, पास में ही कोई आश्रम
वहां संत लोग लाखों हजारों आते, भंडारा पाते, भोजन करते, और संत जब प्रसाद पाकर के चले जाते तब माधवदास जी महाराज अपनी माला से भजन से उठते, हाथ में जो करवा था मिट्टी का वो लेकर के जाते, करवा रखते पास में, बस और कोई बर्तन नहीं, वो जाते और संत जो भोजन करके चले जाते उनकी पत्तल के ऊपर कहीं पर कोई मिठाई, कोई पकौड़ी, कोई पूड़ी जगह जगह जो बिखरी रहती पत्तल पर, उसको उठाते एक एक करके अपने करवा में रखते और वही संतों की शीत प्रसादी पा लेते और फिर भजन में लग जाते। ऐसा जीवन हो गया, न किसी के यहां जाना न मांगना, द्वार द्वार पर नहीं जाते, संतों का शीत प्रसाद जो बचता। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि वो पात्र लेकर के जाते, सारा उठा करके संतों की शीत प्रसादी से, और उसी में तुलसी डालकर पहले ठाकुर जी के भोग और लगाते, भगवान को भोग लगाते फिर स्वयं पाता। एक दिन संत लोग भंडारा करके भोजन प्रसाद पाकर चले गए, श्री माधव दास जी महाराज भजन में बैठे थे, जब चेतना बहिर्मुखी हुई तब उठे और उस आश्रम में जाकर के देखने लगे जहां शीत प्रसादी पड़ी थी पत्तल पर, उसको एक एक करके उठाने लगे। आज भूख थोड़ी तेज थी इसलिए करवा में लिया और भगवान को बिना भोग लगाए ही मुख में ग्रास ले लिया। अब ले लिया था सो ठीक, लेकिन जो ही मुख में लिया सो याद आ गई, अरे आज भगवान को भोग नहीं लगाया। अब स्थिति बड़ी विचित्र बन गई। एक मन कहता कि चलो एक काम करते हैं, इस ग्रास को थूक देते हैं और कुल्ला करके मुख शुद्धि करके और जो बचा है उसमें तुलसी डालकर भगवान को भोग लगा देते हैं। फिर मन कहता नहीं नहीं, यदि मैं थूकता हूं तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा, यदि मैं इसको थूक दूं तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा, और यदि पालूं तो पाऊं कैसे, भगवान को भोग नहीं लगाया। अब बड़ी विचित्र स्थिति बन गई, न निगलते बने तो न उगलते बने, न निगले तो न उगले, और बैठे रहे, आंखों में आंसू आ गए। और श्री माधव दास जी के विषय में लिखा है, बोले संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारे न जात गिरायो, संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारे न जात गिरायो, अब लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो, खाऊं तो खाऊं कैसे, क्यों, क्योंकि लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। स्थिति कैसी बन गई, भाई गत साथ छुचुंदर की काह करे कछु समझ न आयो, और बीत गयो वह वार विनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो, बीत गयो वह वार विनीत। अयोध्या के बड़े प्रसिद्ध संत श्री विनीत जी महाराज, बीत गयो व्यवहार विनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो, संतन को ये शीत प्रसाद लियो मुख डारन जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो, अब भई गति सांप छचुंदर की काह करे कछु समझ न आयो, और बीत गयो वह वार विनीत गई रजनी और दिन दूसरो।
वहीं बैठे रहे नैनों में आंसू भगवान के सामने। वह रात बीत गई, वह दिन बीत गया, अगला दिन सूर्योदय हो गया। न निगला न उगला, खाऊं तो भगवान को भोग नहीं लगाया, और यदि मैं इसको वापस करूं तो संतों का शीत प्रसाद है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांझ पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर सांझ पर गाया नहीं जाता। किसे कहूं कौन, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। दो दिन हो गए माधवदास बैठे हैं, मुख में ग्रास है, तो भगवान, अरे 100,000 में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, 100,000 में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार ए इलाही से मायूस ना हो बंदे, क्योंकि देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भगवान प्रकट, अरे माधवदास पालो प्रसाद मैंने लगा लिया। माधवदास जी बोले, नहीं प्रभु, आपको भोग लगाए बिना, तो बोले अब करोगे भी क्या, या तो मैं कह रहा हूं पालो, या फिर ठीक है वापस करो, भोग लगा दो। अब भगवान बोले, लाओ भोग लगा दो। तो माधवदास जी बोले, नहीं प्रभु ऐसे तो कैसे लगा दूं, झूठा है। भगवान बोले, नहीं अब छीना झपटी होने लगी। भगवान मुख से ग्रास निकाल रहे हैं, माधवदास जी ले भी नहीं रहे हैं और निकाल भी नहीं रहे हैं। तब तक वो छीना झपटी हुई तो एक आध कोई छोटे टुकड़े भूमि पर गिरे, भगवान ने लिए और अपने मुख में रख लिए। माधवदास जी बोले, अरे क्या कर रहे प्रभु, झूठा है मेरा, झूठा है। भगवान बोले, अरे भले आदमी, इतने दिन सबका झूठा खिलाता था, आज तो तेरा ही झूठा है। इतने दिन सबका झूठा खिलाता था, आज तो खाली तुम्हारा झूठा है। यही तो प्रेम है भक्त और भगवान का। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। केवल प्रेम प्यारा जान सके।
मन निहारा। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। और जो माया में अंधा है, उस अंधे ने, जिस अंधे ने उनको देखा नहीं, जिस अंधे ने इनको देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने इनको देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। इसलिए भैया संतों की बात आई, सो मैंने श्री माधव दास जी की कथा कही। अद्भुत संत, संत समाज के गौरव, पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज, संत समाज के संग करने की बात इसीलिए कहते हैं कि भैया इनकी संगति से लोहा भी पारस मणि हो जाता है। वैसे देखो हम लोग संसार के अंदर इस माया में इतने लिप्त हो गए हैं कि अपना स्वरूप भूल गए, अपना स्वरूप भूल गए। गुरुजी हमें बहुत बताते हैं, समझाते हैं,
लेकिन फिर भी ध्यान में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को गुरु से ज्यादा होशियार मानते हैं। बोलो जय श्री राम। समझ में आवे कैसे बताओ, हम तो खुद होशियार बने बैठे। देखो लघु बनना पड़ता, मैंने कल भी निवेदन किया था। एक बात बताओ, पहले रिक्त होकर के जो नीचे बैठेगा उसमें कुछ भरा जाएगा कि अहंकार में ऐसे तन करके बराबर खड़ा हो जाएगा तो भरा जाएगा। जैसे एक बोतल से दूसरी बोतल में जल डालते हैं तो जो खाली है उसको नीचे रहना पड़ता कि नहीं है? उसको नीचे रहना पड़ता है, फिर भरी हुई जो बोतल है वो उसमें जल डालती है। इसलिए पहले नीचे बैठना पड़ेगा, रिक्त होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, तब दूसरे का जल हमारे अंदर भी आएगा। एक बात, और मान लो यदि नीचे भी बैठे हैं, खाली भी हो गए हैं, पर ढक्कन लगा रखा है तो भी नहीं आएगा जल। इसलिए रिक्त तो होना है और फिर नीचे बैठना है, फिर कपट का ढक्कन भी खोलना है। बोलो जय श्री राम, तब वो जल आएगा, तब तक नहीं आएगा। इसलिए गुरुदेव की बात माने, गुरु चरणों का आश्रय ले लें।